शायद आप लोगों को ये ना पता हो कि अगर आप अपने एम असिस्ट को ऑफ कर देते हो ना, तो आप अपने क्रोशियर की स्टेबिलिटी को 50% खो देते हो। ठीक है, जिन बंदों ने ग्राइंड कर रखा है वही बंदे वहां पे क्रोशियर को स्टेबल रख पाते हैं, बाकी आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में मैं आपको क्रोशियर स्टेबिलिटी के कुछ ड्रिल्स एंड कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आपका क्रोशियर है ना भाई एक नंबर हो जाएगा, कुछ ऐसा गेम प्ले आपका चलने लगेगा। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप क्रोशियर स्टेबल कर लोगे ना तो कुछ ऐसा गेम प्ले आपका हो जाएगा। देखा ना, जैसे मेरा हो गया था यहाँ पे। तो मैं आपको पांच मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ, और चौथा और पांचवा पॉइंट, जिसमें पांचवा पॉइंट आपका बोनस टिप रहेगा। ठीक है, तो बोनस टिप तो आपको देख के ही जाना, बाकी वीडियो का एंड तक देखना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। और आपको मतलब मेजर पॉइंट बता रहा हूँ जो कि पूरी कम्युनिटी से मैंने निकाले हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, अगर मैं आपको एंड में लगू कि मैं इस चीज के लायक हूँ तभी करना, ठीक है, वरना मत करना। ठीक है, बाकी वीडियो एंड तक देखो, बस आपका फायदा होना चाहिए। अभी देखो, पहला जो पॉइंट है वो है सीटिंग एंड होल्डिंग पोजीशन। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट है ना जायरो प्लेयर्स के लिए, जो नॉन जायरो प्लेयर है ना उनके लिए इसका कोई फायदा नहीं है, तो वो थोड़ा सा आगे भी सरका सकते हैं। बाकी जिनका जायरो डिले है ना वो वाले भी जरूर देखना। ठीक है, देखो अगर हम अपने फोन को सही से होल्ड नहीं करते ना, तो क्या होता है, जो हमारा क्रोशियर है ना वो बार बार हिलता रहता है। ठीक है, अगर हम स्टेबल होकर सही से फोन को होल्ड नहीं करते ना, तो इसकी वजह से जो हमारा क्रोशियर है ना उसमें थोड़ी कंपकपी रहती है और वो बिल्कुल मतलब डोच होता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो बुलेट्स निकलती है ना गन में से वो बिल्कुल भी सीधी और स्ट्रेट नहीं जाती, बंदे को बिल्कुल भी हेड नहीं लगती है, और एक भी गोली बंदे को कभी टच ही नहीं होता। ठीक, तो बहुत सारे बंदे ऐसे बोलते रहते हैं, भाई मैग में से है ना मैं मतलब पूरा मैग बंदे को मार देता हूं, बट फिर भी है ना मैग में से 50% गोलियां बंदे को लगती है। ठीक है, कोई इस वीडियो में आपको होल्डिंग के ऊपर ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि जब भी अपने फोन में मतलब गेम खेलते हो ना, तो आपको बैठ के खेलना, सो के नहीं खेलना। ठीक है, और साथ में अपने फोन को थोड़ा टाइट होल्ड किया करो, ताकि जो आपकी ग्रिप है ना वो सही से बैठे और आपका क्रोशियर हिले ना। ठीक है, बाकी अगर आपको इस पे थोड़ा डीपली जानना है, तो मैंने इसके ऊपर ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है और बहुत सारे बंदे इसको देख चुके हैं, आप भी देख के फायदा उठा सकते हो, बट इससे पहले आपको ये वाले पॉइंट जानना जरूरी है। देखो, जितने मैंने स्ट्रीमर्स देखे, यूट्यूबर्स देखे ना, सभी बोलते हैं एम असिस्ट ऑफ करके खेलो। ठीक है, लेकिन इसके पीछे की जो डेड चीज है ना वो नहीं बताते कि भाई जब भी आप एम असिस्ट ऑफ करके खेलते हो ना, आपका जो एम है ना वो बिगड़ जाता है, क्योंकि आपको एम है ना मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका जीता जाता एग्जांपल दिखाता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सेटिंग्स में जाता हूं और अपना जो एम असिस्ट है ना उसको डिसेबल कर देता हूं। ठीक है, और हम ट्रेसिंग करते हैं जिगल की। ठीक है, देखो शॉर्ट जिगल हो चाहे लॉन्ग जिगल हो, हमें है ना अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर हम अपने एम असिस्ट को ऑफ रखते हैं तो। ठीक है, और जो हमारा क्रोशियर है ना उसकी मतलब प्लेसमेंट को नोट करना, मैं इस बंदे को बोलता हूं कि भाई तू लॉन्ग जिगल दे, मैं भी लॉन्ग जिगल देता हूं, और फिर हम थोड़ा ट्रेसिंग करके देखते हैं और मारते एक दूसरे को, देखना। अभी देखो, इस बंदे को एक भी गोली नहीं लगी, ऐसा नहीं है मैंने जानबूझकर नहीं मारी। ठीक है, लेकिन यही चीज है ना आप लोग करते हो, जब भी आपका एम असिस्ट ऑफ होता है ना, आप लोग एम असिस्ट ऑफ में क्या करते हो, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बंदे पे एम करने के लिए, तो अपने क्रोशियर को कभी इधर करते हो तो कभी उधर करते हो, मतलब जिगल की ट्रेसिंग करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके दूसरी साइड अपने क्रोशियर को इनेबल कर देते हो ना, आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते और आपका क्रोशियर इतना ज्यादा हिलता नहीं है, इसकी वजह से जो आपका क्रोशियर है ना वो स्टेबल हो जाता है और बंदे को हेड भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन वही हेड है ना आप ऑफ में भी मार सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑफ में नहीं मारना है। अगर आप इनेबल में करके देखते हो ना, तो जो आपका क्रोशियर है ना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, देखना यहाँ पे इतना स्टेबल रहता है। ये देखो, मतलब बंदे के साथ मैं ट्रेसिंग को थोड़ा लेट कर पाया, बट जो स्टेबिलिटी आप देखोगे ना वो बहुत तगड़ी है। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्लेयर्स है ना सबके सब है ना अपने जिगल पे फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि देखो अगर आप अपने जिगल पे फोकस करते हो ना, एक जो ह्यूमंस का माइंड होता है ना वो एक ही जगह पे फोकस कर सकता है। ठीक है, देखो जिगल तो एक बैकग्राउंड में चलने वाली चीज है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है, बस आपको मेरी बातें सुननी है और आपको बैकग्राउंड के म्यूजिक पे ध्यान नहीं देना है। तो वही चीज आपको गेम में अप्लाई करनी है कि आपको अपने क्रोशियर पे और एम पे ध्यान देना है, ना कि अपने जिगल पे। ठीक है, तो जिगल तो जो बैकग्राउंड में निकल रहा है वो तो बंदा देखेगा भाई कैसे ट्रेस करना है, हमें तो बस कैडे वाला जिगल देना है बैकग्राउंड में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस आपको अपने क्रोशियर पे और एम पे करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल और ड्रिल दिखाता हूं आपको जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रोशियर पे फोकस करने के लिए ना आपको क्रोशियर वाली ड्रिल चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, फिर आपको कहीं पे भी पिलर दिखता ना उसके ऊपर आपको मतलब रश करना है पिलर के ऊपर। ठीक है, मतलब आपका क्रोशियर बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए और आपको क्लोज इन करना है बंदे के ऊपर, मतलब पिलर के ऊपर क्लोज इन करना है। देखो कुछ ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, क्रोशियर बिल्कुल पिलर पे है बट मैं जिगल देते हुए बंदे पे आ रहा हूं, मतलब पिलर पे आ रहा हूं भाई कितनी बार बोलूंगा। ठीक है, ये चीज करने के बाद आप मतलब जब भी ओपन में रश करोगे ना तो कुछ ऐसा रहेगा, वो देखना।
तो सिंपल से तरीके से अगर आप 5 मिनट भी एवरीडे दोगे ना तो आपका एक हफ्ते में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, एवरीडे करनी है, एवरीडे 5 मिनट करो, ठीक है। देखो होगा क्या कि जब भी बंदा कवर से बाहर निकल के मारने की कोशिश करेगा ना तो आपका क्रोशियर बिल्कुल बंदे के ऊपर रहेगा, तो बंदा है ना बाहर निकलने से डरेगा, ठीक है, रुक आप उठे उसकी कि भाई निकलते हेड मारेगा, मेरी खोपड़ी तोड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे करना, ठीक है। अभी ये वाली ड्रिल जो आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट ड्रिल मैं आपको बता रहा हूं, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको जिगल पे ध्यान नहीं देना, क्रोशियर पे ध्यान देना है, तो इससे ना वो चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, मतलब क्रोशियर की स्टेबिलिटी बनानी है ना, तो आपको ये वाली ड्रिल करनी है। देखो ये वाला जो बॉक्स है ना, जो लास्ट में आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाला, यहां पे आपको ना अपने क्रोशियर की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, ना कि जिगल पे, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने क्रोशियर के इधर से उधर की साइड लेके जाना है आपकी जॉयस्टिक की, मतलब आपको जॉयस्टिक पे ध्यान नहीं देना है, आप समझ रहे हो। अगर आप जॉयस्टिक पे ध्यान दोगे तो आप मतलब जब भी फाइट लोगे ना तो जॉयस्टिक पे ध्यान रहेगा, आपको अपने क्रोशियर पे ध्यान रखना और क्रोशियर को इधर से उधर लेके जाना है, आपका बस एक ही फोकस होना चाहिए, मेरे को क्रोशियर को ना इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलने देना, ठीक है। तो होगा अपना शॉर्ट जिगल जब भी देते हैं हम क्लोज रेंज में, ठीक है, जब भी थोड़ा मिड रेंज में होते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाले बॉक्स पे आ जाना है और सामने जो टारगेट मूव कर रहा है उसके ऊपर आपको अपने क्रोशियर को रखना है। यहाँ पे कितना भी फास्ट जिगल दे लो, मतलब ये जो फट्टे दिख रहे हैं दोनों फट्टे, इतनी लेंथ में कितना भी फास्ट जिगल दो, जिगल पे फोकस मत करो, ठीक है। ये तो अपना मतलब बैकग्राउंड की चीज, जैसे म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। आपको बस फोकस करना तो सामने क्रोशियर और जो टारगेट मूव कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मसल्स मेमोरी में बैठ जाएगा, मेरे को बंदे पे ध्यान देना है ना कि मेरे जिगल पे, ठीक है। जिगल तो ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है। जब भी आपका ऑटोमेटिक जिगल निकलेगा ना भाई, और आप सामने वाले बंदे पे क्रोशियर से एम करोगे, तो सामने वाला बंदा अगर आपको हरा देना भाई, मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देना, कि मैं ये मतलब सच बता रहा हूं भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया लिटरली। और एक और चीज मैंने जोनाथन की लाइव स्ट्रीम पे जोनाथन से सुनी थी कि अगर आपको अपने क्रोशियर को स्टेबल करना ना, तो सबसे पहले आपको एकेएम से ना क्लोज रेंज में फाइट लेना सीखना होगा, ठीक है। तो एकेएम का रिकॉइल लेना बहुत ज्यादा होता है, अगर आप एकेएम लेके ऐसे कहीं पे दीवार पे फायर करोगे ना विदाउट फिंगर टच किए, तो आपका एकेएम का क्रोशियर है ना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आप क्लोज रेंज में या फिर मिड रेंज में एकेएम चलाना सीख गए ना, समझो कि अगर आप M4 चलाओगे ना, तो वो तो भाई मतलब आग फेंकेगी, आग सीधा हेड पे लगेगी भाई, क्योंकि M4 में बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं होता, एकेएम में बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है, जो भी मैंने ट्रेलिंग ड्रिल्स बताई, अगर आप फायर करके मतलब ट्राई कर रहे हो ना, को एकेएम ले लेनी है, ठीक है। फिर एकेएम या फिर बैरल ले लो, क्योंकि इनमें है ना बहुत ही ज्यादा रिकॉइल होता है, अगर आप सिंगल फायर भी करते हो ना अभी आपका क्रोशियर हिलता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बहुत ही दिनों से एक्सपीरियंस किया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है आप लोग जो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके जिगल की प्रैक्टिस करते हो ना, वो चीज है ना मतलब 20-30% ही वर्क करती है, 100% वहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस का जो माइंड होता है ना, वो कभी भी सेम जिगल देता ही नहीं है। बंदा कभी भी जो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, साइड में लेफ्ट में दोनों साइड मतलब लॉन्ग लॉन्ग जिगल दे रहे हो और मतलब क्रोशियर को बिल्कुल स्टेबल रख रहे हो, क्रोशियर की स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका जिगल है ना, वो कभी भी आपका मतलब बंदे पे परफेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि बंदा है ना अलग जिगल देता है। आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी बंदे से 1-1 लेते हो ना, आपको सिंपल से क्या करना है, उस बंदे के जिगल को पढ़ना है, ठीक है। जो कम्युनिटी में जितने बंदे है ना, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने के जिगल देते हैं, कोई लॉन्ग साइड जिगल देता है, कोई मिड जिगल देता है, कैसे जिगल देता है, कोई एक साइड का जिगल देता है, तो कोई एक साइड 2 बार और दूसरी साइड 3 बार देता है, ठीक है। ऐसा ऐसा होता है। आपको क्या करना है, 2-3 बार अगर आप बंदे से मरते हो ना, तो बंदे की जो मूवमेंट है ना उसको नोट किया करो, बंदा एक्चुअल में जिगल दे कैसे रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब धीरे धीरे ऐसा पढ़ते रहोगे ना मूवमेंट्स को, कि भाई बंदा ये जिगल दे रहा है, मतलब बंदा वो जिगल दे रहा है, ये बंदा ऐसा जिगल दे रहा है, ऐसे बातें करोगे ना कि भाई जिगल दे रहा है मतलब कौन सा जिगल दे रहा है, ठीक है। अगर आपने जिगल पकड़ लिया ना बंदे का, तो आप सामने वाले बंदे के जिगल को तोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे जिगल को तोड़ना, जिगल की ट्रेसिंग करना बहुत ही मुश्किल है, अलग अलग बंदा अलग अलग टाइप से जिगल देता है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी देखो एवरी पर्सन को ना गेम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम है ना कमेंट सेक्शन में टाइप करने, ताकि मेरे को वीडियो का टॉपिक मिल जाए, जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड होगी मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।